हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम संतोष कुमार फ्रॉम लखनऊ। अभी मेरे साथ में स्टूडेंट हैं, आज इनका लगभग कंप्लीट डे तो नहीं है बट कल कंप्लीट है ना जी। आज नाइन डे है कार सीखने का। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कार रिवर्स करना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन जब ये कहीं कार लेके निकलें तो ऐसे में डर बना नहीं रहना चाहिए। शुरुआत में इनका कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन बाद में बीच में आप इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हुआ। तो ऐसे में इनको आज इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं, जैसे कि चढ़ाई पे रोकना बढ़ाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी कार लेके निकलेंगे तो ये चीज़ें आनी तो कंपलसरी है। कहीं भी ओवर ब्रिज मिल गए, खड़े हो गए, तो कार इनको बढ़ानी नहीं आती लेफ्ट में। तो इनको आज मैं उसी चीज़ों पर ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँगा, चढ़ाई वगैरह पर रोकना बढ़ाना। तभी मैं आ चुका हूँ लखनऊ के मल्हौर हाई ओवर ब्रिज, हाईवे बोलते हैं, छोटा सा है। तो यहाँ पे जो आगे बैटरी रिक्शा, यहाँ पर कार हम सटा के साइड में खड़े करेंगे, पूरा क्लच लो और ब्रेक लो धीरे से। अब इधर कितनी जगह है? बहुत कम जगह है, ठीक है। अब फर्स्ट गियर डाल दो। अब क्या करेंगे, पहले क्लच छोड़ेंगे या ब्रेक छोड़ेंगे? पहले ब्रेक नहीं छोड़ेंगे, पहले क्लच छोड़ेंगे। पहले हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, जब कार वाइब्रेशन पे आ जाए फिर क्लच को ब्रेक छोड़ना रहेगा, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो नहीं तो कार बंद हो जाएगी। क्लच नहीं छोड़ना, बाकी क्लच को इतने पे रोक के रखेंगे, देखो कार बढ़ गई, कैसा लगा? यही डर लगता था आपको? हाँ। गाड़ी राइट में क्यों काटा? फिर से रोकना बढ़ाना है अभी। क्लच लो, धीरे से ब्रेक लो, गुड। आप क्या करना है, पहले क्लच छोड़ना है धीरे से, जब वाइब्रेट होगा तो फिर वाइब्रेशन तक वेट करेंगे। होने लगा, आप ब्रेक छोड़ देंगे, फिर आप धीरे धीरे पूरा आप क्लच छोड़ दो, ओके। थोड़ा और लेफ्ट में सटाओ, क्लच लो और धीरे से ब्रेक लो, ओके। आप क्या करना है, पहले क्लच छोड़ना है, जब वाइब्रेट होगा तो फिर ब्रेक, गुड। पहले क्लच छोड़ेंगे, वाइब्रेशन तक वेट करेंगे। कोई भी कार हो, ब्रेक छोड़ो, कार देखो कितनी प्यार से बढ़ गई, ओके। अब फिर से क्लच लो और धीरे से ब्रेक लेंगे, हो गया। अब ब्रेक को रिलीज करिए, ब्रेक को, सॉरी हल्का सा क्लच को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, गुड। क्योंकि नॉर्मल जगह बढ़ाते चलवाता रहता है तो पहले ब्रेक ही छोड़ना पड़ता है, ब्रेक ही, ओके। समझ में आ गया? चलिए अब आप एक्सेलरेटर लीजिए हल्का सा, और स्पीड बढ़ाइए, और भी ज़्यादा खींच के बढ़ा लो। आप सेकंड डाल दो, पूरा क्लच लो फुल और सेकंड डाल दो, हो गया। अब क्लच छोड़ो, चलते रहो। और गाड़ी यहाँ पे जैसे ये ओवरब्रिज मुड़ा हुआ, घुमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपको गाड़ी चलानी है, यहाँ पे गाड़ी आपको बस अपनी लाइन में रखनी है। बीच की लाइन आपको महसूस हो रही होगी जो वाइट पट्टी के तरीके से बनी हुई है, बट पट्टी नहीं बनी हुई, बस आधा रास्ता उनका आधा अपना, आधे में समझ पा रहे होंगे कितना होता है, ठीक। तो रॉन्ग साइड नहीं जाना है, और टर्निंग पे आपको ओवरटेक कभी नहीं करनी है, ठीक है। ये रूल्स आपको ज़रूर फॉलो करना, बाकी करें या ना करें, रेड लाइट वगैरह भी फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ पे रेड लाइट नहीं वहाँ पे कुछ फॉलो नहीं करना है, वहाँ पे अपने तरीके से कार निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। क्या होता है टर्निंग पे एक्सीडेंट अक्सर जब लोग ओवरटेक करते हैं तो हो ही जाता है। अब कौन से गियर पे होनी चाहिए कार, डाल दो। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो अनलाइक कर, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अनलाइक भी कर सकते हैं। बस वीडियो देखिएगा जरूर, तो आपको सीख मिलती है या नहीं मिलती उससे आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं।